नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि फागुन का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आप फागुन के महीने में, जो आज से ही शुरू हो रहा है, आप ऐसा क्या उपाय कर लें ताकि ये महीना आपके लिए बहुत लाभदायक हो, तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपका लकी नंबर के अनुसार लक जानेंगे, आज का राशिफल जानेंगे, सक्सेस मंत्र में जानेंगे कि अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप क्या करके जाएं ताकि आपको सफलता मिले, और आज किस राशि वाले के लिए दिन बहुत शुभ है, किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानेंगे। तो पंडित जी, बहुत कुछ है आज, तो कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 25 फरवरी 2024 दिन रविवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 8:35 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, उस समय होगा शाम को 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, फागुन मास की आज हम चर्चा करने वाले हैं। फागुन का महीना आज से शुरू हो रहा है, तो इस महीने का क्या महत्व है और किस तरीके से इस महीने का हम सब लाभ उठा सकते हैं? प्रवीण जी, जो हिंदू महीने हैं उन महीनों का एक वैज्ञानिक पक्ष भी है और एक धार्मिक पक्ष भी है। तो जैसा प्रवीण जी ने कहा कि आज से फाल्गुन के महीने का आरंभ हो रहा है। फाल्गुन का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, पहले ये समझते हैं। देखिए, फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है, इसीलिए इस महीने का नाम है फाल्गुन। फाल्गुन का जो महीना है ये आनंद का और उल्लास का महीना है। इसके पहले माघ का महीना था। माघ का महीना तपस्या का महीना था, साधना का महीना था। अब फाल्गुन आ गया, फाल्गुन आनंद का महीना है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी कम होने लगती है। न गर्मी होती है न सर्दी होती है, मोटे तौर से वसंत का प्रभाव रहता है इस महीने में। और वसंत जो है फाल्गुन के साथ मिल करके उन्माद पैदा करता है, प्रेम का भाव पैदा करता है। इसीलिए फाल्गुन के महीने में वसंत का प्रभाव होने से प्रेम और रिश्तों के लिए इस महीने में प्रयोग किए जाते हैं। प्रेम और रिश्तों की मुश्किलें दूर होती हैं। इस महीने से खान पान और जीवनचर्या में जरूर बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अब आप सर्दी से पूरी तरह से निकल करके गर्मी की तरफ एंटर करेंगे, तो आपको अपने खान पान में और अपने जीवनचर्या में पर्याप्त बदलाव करना चाहिए। मन फाल्गुन के महीने में बड़ा चंचल होता है। वसंत, फाल्गुन,
इस वजह से मन की चंचलता को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए। अब फाल्गुन का महीना आज से शुरू हो रहा है, 25 फरवरी से लेकर के अब 25 मार्च तक फाल्गुन का महीना रहेगा और इसमें हमें फाल्गुन महीने के जो नियम हैं, जो पूजा उपासना हैं, जो सावधानियां हैं, जो साधना पद्धति है, उसका पालन हमें फाल्गुन में करना चाहिए। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी मेष राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका आज प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, महत्वपूर्ण काम आज रुक सकते हैं, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि फागुन का महीना कैसे आपके जीवन को ज्यादा सुखमय बना सकता है, आपकी परेशानियों को दूर भगा सकता है। पंडित जी, फागुन के महीने में कौन कौन से प्रमुख व्रत और त्यौहार हैं और उनका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं? प्रवीण जी, जितने भी व्रत और त्यौहार भारत में महीनों में आते हैं वो उस महीने के हिसाब से साइंटिफिकली जुड़े होते हैं। उसका खान पान, उसके नियम आपको स्वस्थ और अच्छा बनाए रखते हैं। अगर हम फाल्गुन के महीने की बात करें तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता लक्ष्मी और माता सीता की पूजा की जाती है, सौभाग्य और धन की प्राप्ति के लिए। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि भी मनाया जाता है, जो भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी है, भगवान शिव की विवाह की वर्षगांठ है। फाल्गुन के महीने में चंद्र देव का भी जन्म हुआ था, इसीलिए इस महीने में चंद्रमा की उपासना भी की जाती है और विशेष लाभकारी होती है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर हो या गड़बड़ हो, अगर वो फाल्गुन में चंद्र देव की उपासना करें उन्हें लाभ होगा। फाल्गुन में सारे पर्व एक तरफ, सबसे बड़ा पर्व जो फाल्गुन का है वो है होली।
फाल्गुन में प्रेम और अध्यात्म का पर्व होली भी हम मनाते हैं और भारत के तीन प्रमुख त्योहारों में से एक दीपावली, दशहरा और होली। होली इसी महीने में है, फाल्गुन के महीने में। इस महीने में दक्षिण भारत में मंदिरों का एक उत्सव मनाया जाता है जिसे उत्तिर कहते हैं। उत्तिर नाम का मंदिरोत्सव दक्षिण भारत में मनाते हैं। पहले भी आपको बताया कि ये महीना आनंद का महीना है, उल्लास का महीना है, तो इस महीने में लाभ होने की, उल्लास मिलने की संभावनाएं बहुत होती हैं। अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है, साथ ही साथ प्रेम संबंधों का इस समय ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, करियर की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, कन्या राशि वालों को आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करेंगे, धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, महत्वपूर्ण काम आपके इस समय रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल से पहले आपको बता दें कि आप सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा, क्योंकि सक्सेस मंत्र में पंडित जी बताएंगे कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप क्या करके जाएं ताकि इंटरव्यू में आपको सफलता मिले, किसी खास मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप क्या करके जाएं ताकि आपकी मीटिंग आपके लिए सफल हो, आपके फेवर में हो, और अगर कोई ख़रीदारी करने जा रहे हैं तो आप जो है क्या करके जाएं, अगर किसी मेडिकल इशू के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं चिकित्सा के लिए तो आपको क्या करके जाना चाहिए, तो सक्सेस मंत्र में बहुत कुछ पंडित जी बताने वाले हैं। इसके साथ ही शुभ मंगल सावधान देखिएगा, उसमें पंडित जी बताएंगे कि किस राशि वाले के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, किस राशि वाले को आज बहुत सावधान रहना होगा, और ऐसा क्यों तो अवश्य देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी हर दिन बताते हैं ऐसी चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती हैं और बहुत काम आती हैं। अब सवाल की बात कर लें, सवाल पूछना है तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दीजिए, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न सचिन जी ने हमें लिखा है, कर्नाटक से लिखते हैं। 12 सितंबर 1979 का जन्म है, रात के 8:45,
बेलगाम कर्नाटका, ये कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेरा घर बन जाए, मकान बन जाए, मैं फ्लैट ले लूँ, कुछ भी कोशिश कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मुझे संपत्ति का लाभ कब तक होगा? सचिन, सबसे पहले बता दूं कि शुक्र की कमजोर स्थिति की वजह से बार बार फाइनल होते होते हुए भी आपको संपत्ति का फायदा नहीं हो पा रहा है। क्या उपाय करेंगे आप? देखिए, आपको सबसे पहले बता दूं कि साल 2024 में जून से लेके नवंबर के बीच में आप कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट निश्चित रूप से खरीद लेंगे। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपके फ्लैट का टोटल नंबर या मकान का टोटल नंबर 8 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जल्दी लाभ हो क्या करें, एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके आप जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और प्रार्थना करें संपत्ति लाभ के लिए, आपको लाभ अवश्य होगा। आज हम बात कर रहे हैं कि फागुन के महीने का क्या महत्व है, आप फागुन के महीने का कैसे लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, फागुन के महीने में किस देवता की पूजा करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना कर सकें और उनके आशीर्वाद से इस महीने को बहुत अच्छे से बिता सकें? प्रवीण जी, फाल्गुन का महीना आनंद का, उल्लास का, प्रेम का महीना है। आनंद, उल्लास और प्रेम के देवता माने जाते हैं कृष्ण। तो फाल्गुन के महीने में सबसे अच्छा होगा कि आप भगवान कृष्ण की जितनी उपासना करें उतना ही आपके लिए मंगलकारी होगा। भगवान कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होगी। भगवान कृष्ण की पूजा फाल्गुन में 3 तरीके से होती है, बाल कृष्ण, युवा कृष्ण और गुरु कृष्ण, तीनों ही स्वरूपों की उपासना फाल्गुन के महीने में की जाती है। अगर आप संतान चाहते हैं या संतान से संबंधित कोई प्रश्न है तो बाल कृष्ण की पूजा करें, प्रेम और आनंद के लिए युवा कृष्ण की पूजा करें। बिहारी दास ने लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। यानी युवा कृष्ण की पूजा अगर आप राधा जी के साथ करेंगे तो भव बाधा आपकी दूर होगी। और अगर आप ज्ञान और वैराग्य चाहते हैं तो गुरु कृष्ण की पूजा करेंगे, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु हैं कृष्ण। तो फाल्गुन के महीने में अगर आपको अपने मन को बैलेंस करना है, ज्ञान चाहिए, अध्यात्म चाहिए, वैराग्य चाहिए, तो आप फाल्गुन के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संपत्ति का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात धनु राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि फागुन का महीना कैसे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस महीने में आप क्या करें क्या ना करें ताकि इस महीने का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, आपके जीवन में जो परेशानियां हैं कष्ट हैं वो सब दूर हों। पंडित जी, फागुन के महीने में किन किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है? देखिए, जैसा प्रवीण जी पहले भी बताया कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हर महीने के खान पान के और जीवन जीने के नियम हैं। अगर हम फाल्गुन महीने के बारे में सोचें कि कौन से नियमों का पालन करें कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पूरा महीना हमारे लिए मंगलकारी हो, तो क्या करेंगे? इस महीने में प्रयास करके शीतल या सामान्य जल से स्नान करिए, गर्म पानी अब छोड़ दीजिए। भोजन में अनाज का प्रयोग कम करिए, अधिक से अधिक फल खाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। फागुन का महीना या फाल्गुन का महीना आनंद का महीना है, इसीलिए कपड़े ज़्यादा रंगीन और सुंदर पहनिए, ब्राइट कपड़े पहनिए, खूबसूरत रंग पहनिए, खुशबू का सुगंध का प्रयोग करिए। नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा करिए और पूजा में फूलों का बहुत प्रयोग करिए। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जहाँ भगवान कृष्ण के पीठ हैं, जहाँ उनके सिद्ध मंदिर हैं, वहाँ बाकायदा फूलों की होली खेली जाती है, फूलों से उनका श्रृंगार होता है आनंद के लिए। देखिए, वैसे तो नशीली चीज़ों का और मांस मदिरा का प्रयोग, मांस मछली का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन फाल्गुन का महीना आनंद का महीना है। वो आनंद आध्यात्म से मिलेगा, वो आनंद अंदर से मिलेगा, लोगों के प्रेम से मिलेगा, उसके लिए आप नशे या मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। फाल्गुन के महीने के दो हिस्से हैं, कृष्ण पक्ष भगवान शिव की पूजा खूब करिए, शुक्ल पक्ष भगवान कृष्ण की पूजा करिए। अगर ये दो कॉम्बिनेशन आप फाल्गुन में बना लें तो फाल्गुन के महीने में आप कोई भी मनोकामना अपनी पूरी कर सकते हैं। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि रविवार के दिन लकड़ी का सामान खरीदिए बहुत शुभ होता है? अब प्रवीण जी देखिए, वैसे तो हमने दिनों को ग्रहों के साथ जोड़ रखा है। रविवार के दिन को ऐसा ज्योतिष में मानते हैं कि सूर्य ग्रह से संबंधित दिन है। लकड़ी जो तत्व है, काष्ठ वुड, वो सूर्य का तत्व है, इसीलिए अगर आप रविवार के दिन लकड़ी खरीदते हैं तो सूर्य सबल होता है, सूर्य प्रबल होता है
और रविवार के दिन लकड़ी खरीदने से वो घर में शुभता ले आता है। इसीलिए रविवार के दिन लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी की वस्तुएं, लकड़ी के दरवाजे, ये सब लेना बड़ा अच्छा है। अगर आप रविवार के दिन लकड़ी की वस्तुएं ले आएं और उनका प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आज हम पंडित जी से जान रहे हैं कि फागुन के महीने का क्या महत्व है और फागुन के महीने में कैसे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, फागुन के महीने में आपने बताया महाशिवरात्रि आती है जी, तो भगवान शिव की पूजा कैसे करें ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो और हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करें। देखिए, फाल्गुन में अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो जीवन में आनंद, प्रेम, रिश्ते, इसका वरदान मिलेगा। अगर आप फाल्गुन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शिव महामृत्युंजय हैं, आयु रक्षा करेंगे, स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। और खास तौर से अगर महिलाएं, बालिकाएं भगवान शिव की पूजा फाल्गुन के महीने में माता पार्वती के साथ करें तो उनको शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आती है महाशिवरात्रि, तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और शुक्ल पक्ष में आता है होली का पर्व, इसलिए शुक्ल पक्ष में भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। स्वास्थ्य और आयु रक्षा के लिए आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष में भगवान शिव का एक बार कम से कम रुद्राभिषेक जरूर करा लीजिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। अब बात मकर राशि की, शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं, जल्दबाजी से काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। आज भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मीन राशि की, बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, धन का आपको लाभ होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर 2, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नंबर 3, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं।
नंबर 4 धन लाभ के योग दिख रहे हैं। नंबर 5 करियर में लापरवाही ना करें। नंबर 6 इस समय परिवार में शुभ कार्य होंगे। नंबर 7 आपके रुके हुए सारे काम आज पूरे हो जाएंगे। नंबर 8 चोट चपेट से इस समय बचाव करिए। नंबर 9 लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी आज बनाए रखिएगा। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब बात सक्सेस मंत्र की। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर जाइएगा, सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिएगा। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो आज सुबह 27 बार ओम आदित्याय नमः का जप करके जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कोई विशेष इलाज है, चिकित्सा के लिए जाना है, तो 1 लोटा सादा जल सूर्य भगवान को चढ़ा दीजिएगा। अगर आज कोई विशेष खरीदारी करनी है, गाड़ी खरीदनी है, जमीन खरीदना है, आभूषण खरीदना है, तो लाल रंग का रुमाल अपने साथ रखिएगा, खरीदारी शुभ रहेगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न टेक चंद कक्कड़ जी ने हमें लिखा है, गुड़गांव से लिखते हैं ये। 19 जनवरी 1968 का जन्म है। 9:36 रात को गुड़गांव हरियाणा। ये कह रहे हैं कि करियर में मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं मन से बड़ा डिमोरलाइज फील कर रहा हूँ, तो मेरे करियर में उन्नति कब तक होगी, प्रमोशन कब तक होगा मेरा? टेक चंद जी, सबसे पहले बता दूं कि भावनाओं में बह करके नौकरी मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस समय नौकरी छोड़ने से दूसरी नौकरी पाने में बड़ी मुश्किल होगी। प्रमोशन आपका इस साल के मई, जून, जुलाई के आसपास दिखता है, जब आपको पद और पैसे का फायदा होगा। अगर करियर में या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो नवंबर 2024 से आप इस दिशा में सोच सकते हैं। देखिए, आपकी कुंडली कहती है कि अभी भी आप अच्छे पद पर हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बेवजह फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन मत पैदा करिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इमोशनल होके, भावनाओं में आके चिंताएं मत बढ़ाइए और गलत निर्णय मत लीजिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने
रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करें तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब वक्त है शुभ मंगल सावधान जानने का। पंडित जी, आज का दिन किस राशि वाले के लिए शुभ होगा, किस राशि वाले के लिए मंगलमय होगा और किस राशि वाले को सावधान रहना होगा? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ रहेगा सिंह राशि वालों के लिए, यानी आज अपने सारे महत्वपूर्ण काम करिए, महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए, सफलता के रास्ते पर आगे बढ़िए। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि के लिए, स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, करियर में नए मौके मिलेंगे, धन की स्थिति बहुत बढ़िया बनी रहेगी। लेकिन आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, दुर्घटनाओं से बचें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, ऐसा कुछ ना बोल दें जिससे संबंध खराब हो जाएं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।